हाय गाइस, आर यू अगली? क्या आप बेकार दिखते हो? अगर आप ऐसा सोचते हो तो सोचना भी मत, क्योंकि आप बहुत अच्छे दिखते हो। वट एवर यू आर, फर्स्टली एक्सेप्ट दैट, जो तुम हो सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करना सीखो, उसके बाद खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। आपकी मिस्टेक नहीं है कि आप काले हो, या फिर आपकी हाइट छोटी है, आपके डार्क सर्कल हैं, या फिर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं, ठीक है, या आपकी बियर्ड प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल आशीष सैनिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो रेडी करी थी, माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट, तो उस वीडियो में मैंने गिव अवे किया था मार्स वाई जीएससी का हेयर बायोटीन का। सो उस गिव अवे में काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बट जो फाइनली जिसका विनर है उसका नेम है करण, उसका कोड था 2022। तो इंस्टाग्राम पे आप करण मेरे को एड्रेस बता देना, जो गिव अवे का प्रोडक्ट था वो आपके घर पर भिजवा दिया जाएगा। तो चलिए अब आते हैं भैया हम अपने डायरेक्ट टॉपिक पर। तो कोई भी अगली नहीं होता है, ठीक है, और ना ही आपकी मिस्टेक है अगर आप अट्रैक्टिव नहीं दिख पा रहे हो। लेकिन आपकी मिस्टेक है अगर आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, अगर आपको उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपकी मिस्टेक है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे 90 डेज के अंदर आप अपने पूरे फेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी हेयर थिन है, कैसे आप अपने हेयर को थिक बना सकते हो, क्या वो टिप्स हैं। अगर आपकी जो फेस की स्किन है वो डल पड़ चुकी है तो कैसे आप उसको सही कर सकते हो। जो आपके डार्क सर्कल हैं, अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो आप कैसे इसको सही कर सकते हो। तो सारे फेस के लिए टिप्स मैं आपसे बताने वाला हूँ, कैसे अपने बियर्ड को ग्रो कर सकते हो। पूरा प्रॉपर तरीके से आपको टिप्स को फॉलो करना है और 90 डेज के अंदर आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप 90 डेज पहले अपनी पिक ले लेना, 90 डेज के बाद देखना, आपको फ़र्क नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। और यार, आपके लिए कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग कंटेंट होते हैं, तो यार इसलिए ही वीडियो को पहले लाइक कर देना देखते सार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। पूरे फेस का जो अट्रैक्शन का पॉइंट होता है, जो आपके फेस को अट्रैक्टिव बनाता है, तो वो मेन पॉइंट होता है आपके हेयर। अगर आपकी हेयर ठीक है और प्रॉपर तरीके से आपने कॉम करे हुए हैं और आपकी हेयर प्रॉपर तरीके से हैं, अगर आपके फ्रंटियल हेयर उड़ चुके हैं तो आप उन्हें रिग्रोथ कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने सारी वीडियोस रेडी करी हुई हैं कि कैसे हम अपनी हेयरलाइन को रिग्रोथ कर सकते हो, और इनफैक्ट आपके लिए वीडियो रेडी करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी भी मैंने हेयर कट कराया हुआ है, ठीक है, मैंने अभी हेड शेव लिया था केवल आप लोगों के लिए रिसर्च करने के लिए कैसे हम अपने हेयर को थिक बना सकते हैं। तो अभी काफ़ी सारी रिसर्च चल रही है। और थर्ड नंबर पर जो आता है हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी फेस की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो हमारी फेस टोन। जितनी ज़्यादा आपके चेहरे पर चमक होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी। अगर आपका फेस डल होगा तो आपके चेहरे को देखकर ही लग जाएगा कि आपके फेस को देखकर ही लग जाएगा कि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत डाउन है। और अगर आपके चेहरे पे टोन अच्छी होगी, आपका चेहरा चमकदार होगा, आपका बिल्कुल फेस अट्रैक्टिव होगा, तो अलग ही लगेगा हाँ भाई बंदे में दम है। तो अगर आप चाहते हो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना, अपनी फेस की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना, तो भाई सबसे पहले अपनी फेस की टोन इम्प्रूव करिए। फेस की टोन इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो आपकी ओवर ऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है। और उसके बाद अगर हम बात करें, सोचने में और देखने में बहुत छोटी सी बात है, मतलब बहुत छोटा सा लगेगा कि यार बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखना कभी भी, अगर आप अपने फ़ोटोज़ में देखोगे, जो आपके आइज़ के जस्ट डाउन में जो डार्क सर्कल हैं, देखने में बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बट ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी फेस की पर्सनैलिटी के लिए। आपकी पूरी फेस की पर्सनैलिटी ख़राब कर देती हैं। आप देख रहे हो जो डार्क सर्कल होंगे, बहुत ज़्यादा चेहरा बेकार लगता है अगर आपके डार्क सर्कल होंगे। उसके बाद पिंपल्स, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो वो आपके चेहरे को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, और देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है जब आपके चेहरे पर पिंपल्स होते हैं, ठीक है। आपके लिप्स हैं, अगर आपके लिप्स हैं जो आपके ब्लैकिश पड़ चुके हैं, आपके ब्लैक ब्लैक होट हो चुके हैं जो आपके लिप्स हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपके टीथ, अगर आपके येलोश टीथ हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं, और अगले आदमी को लगता है कि यार शायद ये ध्यान नहीं रखता अपने ऊपर। तो सब देखने में और सुनने में बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, बट आपको अपने अंदर ही चेंज करनी है। जिस दिन आपने अंदर ही चेंज कर लिया अपनी फेस टोन को, फेस टोन इन द सेंस कि आपकी जो डार्क सर्कल्स हो गए, पिंपल्स हो गए, ठीक है, तो ये सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जब आप इनको सोल्व आउट करना स्टार्ट करोगे, फिर देखना आपकी फेस की जो पर्सनैलिटी बिल्कुल निखर के आएगी। तो अभी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे भी रिसर्च चल रही थी कि स्किनी टू मसल्स में अपनी बॉडी को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बॉडी में वेट गेन कर सकते हैं, तो मेरी रिसर्च काफ़ी सारी चलती रहती हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो रेडी करी थी माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, तो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो। तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो हेयर हमारा बिल्कुल मेन पॉइंट होता है हमारे फेस का,
सबसे पहले जब हमें कोई जज करता है तो हमारे हेयर ही होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी का एक हायर लेवल तक लेके जाते हैं हमारी पर्सनैलिटी को। और अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर जो हमारी पर्सनैलिटी को मेन रोल निभाती है हमारी पर्सनैलिटी का, फेस की पर्सनैलिटी का, तो लड़कों की अगर हम बात करें तो वह है आपकी बियर्ड। अगर आपकी बियर्ड है, पैची बियर्ड आती है तो मत रखिए, अगर आपकी पैची बियर्ड आती है तो मत रखिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बियर्ड लगती है। अगर आपको अपनी बियर्ड, अगर आपको लगता है कि मेरी बियर्ड आने से मेरे पूरे फेस का लुक चेंज हो रहा है, क्योंकि खुद में पता लग जाता है कि अगर मेरी बियर्ड होगी तो मैं कैसा लगूंगा। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो लाइन। अगर आपकी जो लाइन बहुत अट्रैक्टिव है तो आपका फेस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो कैसे हम अपनी जो लाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने फेस स्ट्रक्चर को अच्छा बना सकते हैं, कैसे अपने बियर्ड को रिग्रोथ कर सकते हैं, तो अब आपको एग्जैक्टली पता लग चुका है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप अट्रैक्टिव नहीं दिख पाते हो। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले देखते हैं फेस के लिए, तो मैं आपसे एक नेचुरल टिप्स बता रहा हूँ। अगर आपने वीक में ही 2 times भी कर लिया तो आपके फेस पर इंस्टेंटली ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी फेस टोन में इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या करना है, केवल आपको घर पे आप इसको इजीली बना सकते हो, कोई भी इस फेस पैक को घर पे इजीली बना सकता है और इजीली इसको अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है, उसमें थोड़ी सी आपको कर्ड डालनी है, यानी कि थोड़ी सी आपको दही ले लेनी है, नियर अबाउट 1 spoon, 1 चम्मच आप दही की ले सकते हो। उसमें आपको मिक्स करना है लेमन, एक लेमन ले सकते हो आप, उस दही में मिक्स कर लेना, उस कर्ड में आप उस लेमन को मिक्स कर लेना। उसके बाद थोड़ा सा आपको बेसन, ठीक है, सबकी किचन में होता है घर की, तो आपको थोड़ा सा बेसन ले लेना है और इसमें मिक्स कर लेना है अपने फेस पैक में। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छी तरह आप इसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। जब आप अपने फेस पर इसको अप्लाई करो तो केवल 30 मिनट तक आप इसको अप्लाई करना है अपने फेस पर, ज़्यादा नहीं करना है, 30 मिनट इनफ है। लेकिन जब आप इस फेस पैक को बनाते हो उससे पहले आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। फेस को वॉश करने के बाद आपको इस फेस पैक को अप्लाई कर लेना है 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट इनफ है। उसके जस्ट बाद आप इसको वॉश कर सकते हो किसी भी फेस वॉश से। तो मैं यूज़ करता हूँ फेस वॉश मार्स बाय GSC का, तो ये जो फेस वॉश है काफ़ी अच्छा है और स्किन के लिए भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा। इससे पहले मैं यूज़ करता था 2-3 फेस वॉश हैं, बट मेरे को उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं लगा। एक हिमालय का था, उसको भी यूज़ किया था मैंने, बट जो मार्स बाय GSC का फेस वॉश है ये वाला, तो बहुत अच्छा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। वीक में 2 times करना है, ज़्यादा आपको उसको अप्लाई नहीं करना है, 2 times इनफ है और इंस्टेंटली आपको उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप इसको अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के 2 days बाद ही आपको अपने चेहरे पर जो टोन है वो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, बट आपको 2 months तक इसको लगातार अप्लाई करना है, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फेस को इंस्टेंटली फेस की टोन को इम्प्रूव करने के लिए ये आपको फेस पैक जरूर अप्लाई करना है। तो हो गया आपका नेचुरल फेस पैक, बट यार ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम लगेगा क्योंकि इसे बनाने में, मिक्स करने में, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मान तो यार कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो फेस टोनर, एक फेस टोनर मेरे यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं खुद से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कभी कभार ऐसा होता है टाइम नहीं होता यार, वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट रेडी कर रहा हूँ, बहुत कुछ काम होता है घर पे, आपको भी होता होगा, तो आप फेस टोनर यूज़ कर सकते हो। फेस टोनर जो मार्स बाय GSC का है, ये आप 3 या डेली भी इसको अप्लाई कर सकते हो, डेली 2 times भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, 1 time तो आपको डेली अप्लाई करना ही करना है, और 3 months में इसका आपका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या करना है, सिंपली आपको 3-4 drops लेनी है इस फेस टोनर की, और इसको अच्छी तरह आपको अप्लाई कर लेनी है अपने फेस पर। जैसे आप इसको अप्लाई करने स्टार्ट करोगे तो आपको छोड़ देना है ये नियर अबाउट 3 या फिर 4 hours के लिए, उसके बाद आप इसको वॉश आउट कर सकते हो। बट इसे भी यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छी तरह वॉश कर लेना है, फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको रिजल्ट ज़्यादा जल्दी आपको रिजल्ट देखना है, तो 1 दिन में आप इसको 2 बार अप्लाई कर सकते हो, मॉर्निंग में अप्लाई कर सकते हो, फिर आप इसको इवनिंग में सोने से पहले अप्लाई कर सकते हो, बट आपको ये भी इंस्टेंटली रिजल्ट दिखाएगा। बट इसका भी रिजल्ट मेरे को बहुत ज़्यादा क्लासिक लगा, बहुत बढ़िया लगा इसका रिजल्ट, क्योंकि फेस पर बिल्कुल ये टोन लाना स्टार्ट कर देता है इंस्टेंटली। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे डार्क सर्कल हैं। डार्क सर्कल हमारे फेस को बिल्कुल डल बना देते हैं, बहुत बेकार लगता है फिर जब हमारे फेस पर डार्क सर्कल आइज के जस्ट डाउन में डार्क सर्कल दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। उसको रिमूव करने के लिए एक है हमारे पास फेस सीरम, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे फेस सीरम। तो जो ये फेस सीरम है हमारे पास, ये अगर आप इसको अप्लाई करते हो फेस सीरम को अपने डार्क सर्कल पर, तो आपको क्या नज़र आएगा, धीरे धीरे आपके डार्क सर्कल गायब होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये फेस सीरम आप यूज़ करके देखना, जो आपके डार्क सर्कल है कम्प्लीटली इसको रिमूव कर देगा। बट उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको
एक दिन में 3.5 लीटर तक पानी पीना ही पीना है। वो क्या करेगा, आपकी पूरी बॉडी हाइड्रेट रखेगा और आपकी बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन रखेगा। बॉयज़ के लिए 3.5 लीटर है वन डे के लिए, और गर्ल्स के लिए 2.5 लीटर। इट मीन्स आपको 2.5 लीटर पानी पीना ही पीना है, और बॉयज़ के लिए 3.5 लीटर। तो इतना पानी आपको कंज्यूम करना ही करना है, क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी हाइड्रेट रखेगा। इनफैक्ट यूर स्किन, इनफैक्ट यूर हेयर, आपकी स्किन भी सही रखेगा, आपके हेयर भी सही रखेगा, क्योंकि 70% हमारी मसल्स बनी होती हैं वाटर से। इसलिए आपको वाटर लेवल मेंटेन रखना है अपनी बॉडी के अंदर, अगर आपकी पूरी चेहरे को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। अब हम बात करते हैं हेयर की। अगर आपको अपने हेयर को अच्छा बनाना है तो वीक में केवल आपको फोर टाइम बता रहा हूँ वीक में आपको करना क्या है, अच्छी तरह मसाज करनी है नेचुरल ऑयल से। बहुत सारे नेचुरल ऑयल हैं मार्केट के अंदर, मैं आपसे 2 ऑयल सजेस्ट करूँगा और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एक तो है मार्स बाय जीएससी का हेयर वर्टिलाइजर भी आप यूज़ कर सकते हो, और माम अर्थ का अनियन ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो लेकिन आपको सोने से एक घंटा पहले आपको अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है, अच्छी तरह चंबिंग कर लेनी है अपने हेयर के अंदर, और फिर आपको उसको ओवरनाइट छोड़ देना है। बट आपको थ्री या फोर टाइम ही यूज़ करना है वन वीक में ये ऑयल। और उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप ऑयल तो यूज़ कर रहे हो, धीरे धीरे आपके हेयर फॉल भी स्टॉप होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके हेयर भी रिग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट जो आपने ऑयल अप्लाई किया है उसको आपको रिमूव भी करना है। रिमूव कैसे करोगे, आपको शैम्पू यूज़ करना है। शैम्पू आपको ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, आपको केवल वीक में 2 टाइम शैम्पू यूज़ करना है नहाते वक्त। मॉर्निंग में नहाते वक्त आपने शैम्पू अप्लाई किया, उसको 1 और 2 मिनट्स के लिए छोड़ दिया, और फिर आप अपने हेयर को वॉश आउट कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो भी आपके पार्टिकल्स जमा हो चुके हैं आपके हेयर के अंदर, आपके हेयर के रूट के अंदर, तो वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि हेयर को ऑक्सीजन मिल पाए और आपके जो हेयर हैं वो सही बने रहें और कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी डस्ट पार्टिकल आपके हेयर रूट में ना जाए। तो आपको शैम्पू जरूर यूज़ करना है अगर आपको अपने हेयर को अच्छा बनाना है। तो हे आपको ऑयल पता लग गया आपको कब यूज़ करना है। वीक में आपको 3 से 4 बार तक ऑयल यूज़ करना है, उसके बाद आपको 2 टाइम शैम्पू करना है। पूरा रूटीन बता रहा हूँ, 2 टाइम आपको शैम्पू करना है वीक में। उसके बाद हम बात करते हैं यार, आपको ऑयल भी लगा रहे हो, ठीक है, शैम्पू भी यूज़ कर रहे हो अपने हेयर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने हेयर को अच्छा बनाने के लिए। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप डाइट अच्छी नहीं ले पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप पानी पी रहे हो टाइम पे, और जैसे मैंने आपसे बताया 3.5 लीटर आप पानी पी रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है अगर अपनी डाइट अच्छी नहीं ले पा रहे हो। आउटसाइड से आप कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी। तो मेक श्योर आपकी डाइट अच्छी है कि नहीं है, ये ध्यान जरूर रखना है आपको। डाइट में जो आप ब्रेकफास्ट लोगे, ब्रेकफास्ट आपको हैवी रखना है, उसके बाद जो आप लंच रखोगे, लंच थोड़ा सा आपको हल्का रखना है, और डिनर आपको बिल्कुल ही हल्का रखना है। अगर आप डिनर हैवी करोगे तो उससे आपकी स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन डल पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है भाई कि आपको डिनर जो करना है वो थोड़ा सा आपको हल्का करना है कंपेयर टू ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हो सके तो आपको अच्छा खाना रखना है, उसमें आप सैलड ऐड कर सकते हो, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, मिल्क ऐड कर सकते हो। एक अलग से पर्टिकुलर डेडिकेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, और अगर आप बोलोगे तो मैं बना भी दूंगा उस पर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि आज की जो भाग दौड़ की जो हमारी लाइफ है उसमें हम डाइट कंज्यूम नहीं कर पाते, कुछ लोग तो यार ये सोचते रहते हैं कि यार हम डाइट कैसे अपनी पूरी करें, क्या डाइट लेनी है, वही उनके माइंड में एक स्ट्रेस बनना स्टार्ट हो जाता है। बट मैं आपसे बताऊं, अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो अपनी डाइट, अगर आप डेली ऑफिस जाते हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, तो मैं मानता हूँ अपनी डाइट को सही नहीं बना पाते। तो उसके लिए मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर आप अपने हेयर के लिए, ठीक है, अगर आप मल्टी विटामिन्स अगर आप ले सकते हो तो आपके फ़ायदा करेगा, आपके हेयर में भी फ़ायदा करेगा। अगर आप बॉय हो, अगर आप एक लड़के हो, तो आपकी बियर्ड में भी फ़ायदा करेगा, आपकी स्किन में भी फ़ायदा करेगा, और ओवरऑल बॉडी में मेंटेन रखेगा। विटामिन्स जितने भी आपकी विटामिन्स हैं उनकी अगर कमी है तो वो मेंटेन रखेगा आपकी बॉडी में। तो आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हो, उससे क्या होगा आपके हेयर भी अच्छे थिक भी होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी स्किन भी सही रहेगी और आपकी बियर्ड भी थिक होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं जो हमारे फ्रंटियल हेयर हैं अगर वहाँ की हेयर लाइन जा चुकी है, फ्रंटियल हेयर लाइन की अगर आपकी हेयर लाइन जा चुकी है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको डर्मा रोलर यूज़ करना है। डर्मा रोलर क्या करना है आपको, केवल वीक में टू टाइम्स आपको यूज़ करना है डर्मा रोलर, 0.5 mm का यूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप यूज़ कर रहे हो मिनोक्सिडिल तो आपकी इससे बहुत जल्दी फ़र्क देखने को मिल जाएगा आपकी हेयर लाइन पर,
ठीक है, 2 या 3 मंथ्स में ही आपको बेबी हेयर्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप मिनोक्सिडिल ले रहे हो। बट मेक श्योर अगर आप मिनोक्सिडिल यूज कर रहे हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप यूज कर सकते हो मिनोक्सिडिल। बट आप नॉर्मली अगर हेयर वर्टिलाइजर के लिए किसी से आपको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। हेयर ऑयल के लिए किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नेचुरल है, आप इसको नेचुरली यूज़ कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। बट अगर आप डर्मा रोलर को यूज़ कर रहे हो, वीक में 2 टाइम्स आपको उसको यूज़ करना है। ऑयल अप्लाई करने से पहले, मतलब ये मान लो कि 25 या 30 मिनट पहले आप इस डर्मा रोलर को रोल कर सकते हो अपनी हेयर लाइन पर। इस तरीके से आपको रोल करना है आराम आराम से, बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर के साथ इसको रोल नहीं करना है। रोल भी केवल आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, 1 मिनट इनफ है इस डर्मा रोलर के लिए। 0.5 mm का लेना है आपको। एक अलग से इसके लिए भी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं यार, हमारा फेस भी ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, हमारे जो फेस की टोन है वो भी हमारी, उससे जो मैंने आपको बताया स्किन के लिए जो फेस पैक बताया वो आपकी, उससे फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो पूरे फेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो सबसे पहले मैंने आपसे बताया था फेस पैक, भाई इसको ज़रूर उसे अप्लाई करना। 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद। खुद भी अप्लाई किया फिर उसके बाद मैं आपसे बता रहा हूँ, तो उसको अप्लाई ज़रूर करना जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, सेम एज इट इज़। उसके बाद जो मैंने आपसे फेस सीरम बताया था डार्क सर्कल रिमूव करने के लिए, वो भी आप अप्लाई करना। आपको मॉर्निंग में एटलीस्ट 30 मिनट योगा ज़रूर करना है। बहुत बेसिक से योगा है, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया। और जब आपको लगे कि हाँ हम इनमें परफेक्ट हो चुके हैं, जब आप 30 मिनट इसको रेगुलर कर रहे हो डेली, आफ्टर 2 मंथ्स और भी आप योगा स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारा शीर्षासन हुआ, तो ये जो हमारी योगा है, जैसे कि हमारा अनुलोम विलोम हमारी योगा हुई, इससे क्या होगा कि हमारा फोकस बनना स्टार्ट हो जाएगा हमारे काम पर, और हमारा माइंड भी सही होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा फोकस बनना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा मेंटल लेवल बहुत अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका हेयर फॉल भी बंद हो जाएगा और आपके हेयर रिग्रोथ भी होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आप इंस्टेंटली देखोगे अपने हेयर के अंदर चेंज। और ऑटोमेटिकली जो आपके डार्क सर्कल होते हैं, ठीक है, अगर आपको डार्क सर्कल हटाने हैं तो सबसे पहले अपना स्ट्रेस लेवल डाउन कर लीजिए। अगर आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो गया ऑटोमेटिकली आपके हेयर अच्छे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके डार्क सर्कल हट जाएंगे और आपकी स्किन में भी टोन आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको नेचुरल रेमेडीज बता रहा हूँ सारी, मैं अपने हेयर को सेव बनाने के लिए, अपनी स्किन टोन को सेव बनाने के लिए। तो आपको एटलीस्ट 30 मिनट तो योगा करना ही करना है। बेसिकली जो बेसिक योगा है, जैसे कि हमारा अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया। कपालभाति जो हमारी योगा है इंटरनल ऑर्गन को सही रखती है। ब्लड सर्कुलेशन जो नहीं पहुंच पाता इंटरनल ऑर्गन में, जो सही से नहीं हो पाता, तो हमारी कपालभाति योगा है वो हेल्प करती है इंटरनल ऑर्गन्स को सही रखने में। अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन सही हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी पूरी बॉडी भी सही रहेगी, हमारी स्किन भी सही रहेगी। सो भाई अगर आप बियर्ड रखना चाहते हो, मेक श्योर आपकी बियर्ड प्रॉपर तरीके से आती हो और प्रॉपर तरीके से आपने सेव कराई हो, उसके बाद ही आपको बियर्ड रखनी है। अगर आपकी बियर्ड नहीं आती है तो मैं आपसे कुछ हैक्स बताने वाला हूँ, कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ताकि जो आपकी बियर्ड है प्रॉपर तरीके से आ सके और आप अट्रैक्टिव लग सको। तो सबसे पहली बात है यार, आपको डर्मा रोलर यूज़ करना है। डर्मा रोलर क्या करेगा, जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं उन्हें एक्टिव करना स्टार्ट कर देगा। केवल आपको 1 मिनट से ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है डर्मा रोलर, केवल आपको 1 मिनट यूज़ करना है। पर पहले आपको वर्टिकली यूज़ करना है, फिर आपको हॉरिजॉन्टली यूज़ करना है डर्मा रोलर, जैसे आपने मैंने आपको बताया था हेयर लाइन पर। तो सेम एज इट इज़ आपको यूज़ करना है डर्मा रोलर अपनी बियर्ड पर। 1 मिनट से ज़्यादा यूज़ कर नहीं करना है, केवल 1 मिनट आपको यूज़ करना है, अच्छी तरह से अपनी पूरी बियर्ड में यूज़ करना है, ठीक है। उसके जस्ट बाद आप अप्लाई कर सकते हो माइनोक्सिडिल। माइनोक्सिडिल अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो मिनोक्सिडिल, तो बेस्ट मिनोक्सिडिल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। बट डर्मा रोलर के नियर अबाउट 4 या 5 आवर बाद ही आपको मिनोक्सिडिल अप्लाई करनी है अपनी बियर्ड पर, और आपको रिजल्ट दिखने में कम से कम आपको 4 मंथ्स लग जाएंगे विजिबल रिजल्ट दिखने में। और आप इसको यूज़ कब तक करना है मिनोक्सिडिल को, जब तक आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले जैसा आपको रिजल्ट चाहिए। तो अब पता लग गया आपको पहले डर्मा रोलर को कैसे यूज़ करना है। 0.5 mm का डर्मा रोलर यूज़ करना है आपको, उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। मिनोक्सिडिल को कैसे अप्लाई करना है, तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि यार जो बियर्ड ऑयल है, क्या बियर्ड ऑयल अप्लाई करने से हमारी प्रॉपर बियर्ड आ जाएगी। भाई बियर्ड ऑयल का केवल काम है जो आपके ऑलरेडी हेयर हैं, जो बियर्ड के ऑलरेडी आपके हेयर हैं उनको
अच्छा बनाए रखने के लिए, उनकी केयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बियर्ड ऑयल। और बियर्ड ऑयल से आपके कभी भी बियर्ड नहीं आती है। बियर्ड ऑयल केवल आपकी हेयर को टेक केयर करने के लिए, आपकी हेयर की केयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मिनोक्सिडिल होता है आपके हेयर फोलिकल्स को एक्टिव करने के लिए। मिनोक्सिडिल का काम है केवल जो आपकी हेयर फोलिकल्स हैं, जो आपकी हेयर के हेयर फोलिकल्स हैं, जो आपकी बियर्ड के हेयर फोलिकल्स हैं, उन्हें एक्टिव करना। और जो मिनोक्सिडिल है वो आपके बहुत तेज़ी में आपको रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो आप मिनोक्सिडिल यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, और अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। भाई अपने बियर्ड को सही बनाने के लिए, बियर्ड को अच्छा बनाने के लिए, अपने हेयर को, अपनी स्किन को सही बनाने के लिए जरूरी है 7 से 8 घंटे की नींद। क्योंकि जिस वक्त आप सोते हैं उसी वक्त हमारे हॉर्मोन्स, ग्रोथ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो आपको 7 से 8 घंटे जरूर सोना है। और सोने से पहले आपको जस्ट मोबाइल यूज़ नहीं करना है। तो सोने से पहले हम क्या करते हैं कि मोबाइल यूज़ करते हैं, तो आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है। नियर अबाउट 1 आवर पहले ही आपको मोबाइल छोड़ देना है, उसके बाद आपको सोना है। और बिल्कुल स्ट्रेस लेस होकर आपको सोना है, आपको माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं रखना है। फिर देखना आपको कितना जल्दी आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो जितने भी मैंने आपसे वीडियो में टिप्स बताए, अगर आपने सभी टिप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो आपका फेस कुछ इस तरीके से लगेगा जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। आपकी हर एक चीज़ बिल्कुल वेल परफेक्ट होगी, आपकी हेयर परफेक्ट होगी, आपकी बियर्ड परफेक्ट होगी, आपकी स्किन टोन भी बिल्कुल चमकना स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो आपको अपनी पूरी स्किन का ध्यान रखें, जो जो मैंने आपसे टिप्स बताए आपको फॉलो करने हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और एक व्लॉग चैनल मैंने रेडी किया था, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हो। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एक वीडियो रेडी करी थी मैंने, हाउ टू वियर अ वॉच, प्रोफेशनल तरीके से बताया था कि हम वॉच को कैसे वेयर कर सकते हैं, कौन सी वॉच हमें पहननी चाहिए। तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। और यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो रेडी करने, आप देख सकते हो स्वेटिंग कितनी हो रही है, क्योंकि यार फैन को ऑफ करना पड़ता है जिस वक्त हम वीडियो रेडी करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।